कमला के पति चंद्रा के देहांत के बाद उसकी बेटी चंपा की सारी जिम्मेदारी कमला पर ही पड़ती है। कमला रोज भर मजदूरी करके चंपा की देखभाल करती है। चंपा बचपन से ही लंगड़ी थी, इसीलिए चंपा बैसाखी का सहारा लेकर ही चलती थी। स्कूल में उसे सभी बच्चे लंगड़ी लंगड़ी करके चिढ़ाते थे। अरे क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ, स्कूल में मुझे सभी लोग लंगड़ी लंगड़ी करके चिढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना है। माँ ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं तुम्हारी इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास करवाऊंगी, तुम चिंता मत करो। तो क्या मैं बाकी के बच्चों की तरह चल सकती हूँ माँ? अरे चलना क्या, तुम दौड़ भी सकती हो, नाच भी और खेल भी सकती हो। ऐसा कमला चंपा को शहर में एक अच्छे अस्पताल लेके जाती है। वहाँ डॉक्टर चंपा को देखकर ऐसे बोले, अरे चंपा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, कमला बहन चंपा को एक ऑपरेशन करवाना है, बस उसके बाद वह चल सकेगी। लेकिन बोलिए डॉक्टर साहब, आप रुक क्यों गए हैं? कुछ नहीं, उसके लिए कम से कम 10 लाख की जरूरत होगी। ये बात सुनकर कमला और चंपा वहां से निकल जाते हैं। कमला चिंता में पड़ जाती है कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करें। एक दिन वह नौकरी की तलाश में घूमती रहती है। इतने में तेजी से एक कार आकर कमला को टक्कर मार देती है और चली जाती है। लेकिन कमला जाकर रोड के बाजू में एक कूड़े के डब्बे के पास जाकर गिरती है। हे भगवान, मेरी कमर, आह, अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा, मैं अपने बेटी का इलाज कैसे करवाऊंगी, आह। इतने में कमला देखती है कि उसकी हाथ वहां पर पड़ी एक जादुई हीटर पर पड़ती है, और जैसे ही उसकी कांच की चूड़ियां उस हीटर को छुआ, वह कांच की चूड़ियां सोने की हो जाती है। ये देखकर कमला हैरान रह जाती है। तुरंत उस जादुई हीटर को लेकर अपने घर आ जाती है। उसको एक टेबल पे रखकर चंपा को बुलाती है। अरे चंपा, ये देखो, ये कोई जादुई हीटर लग रही है, मेरी कांच की चूड़ियां इसको लगकर सोने की बन चुकी हैं। क्या? हाँ माँ, तुम सच कह रही हो, तुम जाकर कुछ और चीजें लाकर उस पर रखो। ऐसा ही कमला कुछ बर्तन और कुछ पत्थर लाकर उस हीटर पर रखती है। देखते ही देखते सारे चीजें सोने की बन जाती हैं। तुरंत कमला उन्हें लेकर बाजार के सोने की दुकान में बेचकर पैसे लाती है। और ऐसा ही कुछ ही दिन में चंपा के ऑपरेशन के लिए जो पैसे चाहिए उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। ऑपरेशन के बाद चंपा चलने लगती है। उसी तरह उस जादुई हीटर के साथ दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। वन व्हील मोटरसाइकिल चैलेंज, ये कहानी कुछ साल पहले की थी। देवनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपन्ना करके एक आदमी था। गोपन्ना एक कारपेंटर था और वह अपने पत्नी शीतल और बेटा अनिल के साथ रहता था। अनिल एक बेकार और निकम्मा आदमी था। वह जब भी देखो अपने बाइक पे घूमता था और अपने दोस्तों के साथ जुआ और दारू पीता था। सुनो जी, हमारा बेटा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, रोज दारू पीकर बाइक भी चला रहा है। अगर मैं पैसे नहीं दूं तो घर से कुछ न कुछ ले जाकर उसे बेचकर जुआ खेल रहा है। शीतल, जाने दो, वह छोटा बच्चा है, मुझे वह कॉलेज जाने के लिए पैसा पूछ रहा है और वह उन्हीं पैसों से शराब पी रहा है। अगर ऊपर वाले ने दया की उसमें जरूर बदलाव आएगा और वो भी अपने जिंदगी का जिम्मेदारी समझ जाएगा। एक दिन शीतल खाना पकाते पकाते चक्कर आकर नीचे गिर गई। तुरंत उसको एम्बुलेंस में अस्पताल लेके जाते हैं। डॉक्टर शीतल को जांच करके ऐसे बोले, गोपन्ना देख लो, अपने बीवी को जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना है, नहीं तो इसकी जान को ही खतरा है। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर जी?
कम से कम 5 लाख होंगे, लेकिन जो कुछ भी करना है जल्दी करो, बाद में पछता कर कुछ नहीं होगा। जब शीतल और गोपन्ना घर आए तभी अनिल ने बोला, अरे बापू, माँ की ऑपरेशन बाद में कर सकते हो, पहले मुझे पैसे चाहिए, मेरे दोस्त मेरे इंतजार कर रहे हैं। अरे नालायक, अपनी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुमको जाकर ऐश करना है क्या? वैसे भी अम्मी की टाइम हो चुकी है बापू, कुछ फायदा नहीं है। ऐसा अनिल दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला गया। आते वक्त दारू के नशे में उसके बाइक को एक दीवार से टकरा देता है। एक्सीडेंट में उसकी बाइक 2 हिस्से में टूट जाता है। उन सारे टुकड़ों को ऑटो में लेकर घर जाता है। अरे ये क्या है बेटा, तुम्हारा बाइक 2 टुकड़े हो गए हैं, अभी इसको ठीक कैसे करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता बापू, मुझे बाइक चाहिए बस, इसे जल्दी ठीक करवाओ। बेटा जरा समझो, अभी तुम्हारा अम्मी की ऑपरेशन भी करवाना है ना? अरे मैं क्यों समझूं? हट, मैं इस घर में अब नहीं रहने वाला, नालायक बाप और बीमार अम्मी, मैं निकल रहा हूँ, गुड बाय। ऐसा अनिल घर से बाहर चला जाता है, तभी एक आदमी ऑटो में ऐलान करता हुआ उसके घर के सामने से गुजरता है। गांव वालों सुनो सुनो सुनो, कल गांव में एक ग्रेट बाइक चैलेंज का आयोजन किया गया है, जो भी भाग लेकर जीतेगा उसको 10 लाख की इनाम मिलेगा, आइए आइए भाग लीजिए ग्रेट बाइक चैलेंज। जब ये बात गोपन्ना ने सुना, तुरंत उस टूटी हुई बाइक को लेकर एक सुंदर 1 पहिए वाला बाइक में बदल देता है और उसी को लेकर बाइक रेस में भाग लेने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। जब रेस शुरू हुआ, गोपन्ना एक ही झटके में रेस जीत जाता है। सभी लोग गोपन्ना का 1 पहिए वाला बाइक को देखकर दंग रह जाते हैं। जो पैसे उसने रेस में जीता उसको लेकर अपनी पत्नी का ऑपरेशन भी करवा देता है और बाकी के पैसों से आराम से जीने लगा। लालची मटके वाला, ये कहानी बहुत साल पहले की थी। पहाड़गंज नाम का एक गांव था, उस गांव में शिवा और शालिनी करके पति पत्नी रहते थे। शिवा एक बहुत अच्छा कुम्हार था, वह तरह तरह के मिट्टी के बर्तन और घड़े बनाता था। साथ में शालिनी भी शिवा को मदद करती थी। एक दिन एक औरत आकर शिवा से बोली, भाई साहब, लगता है आप इधर नए नए मटके बेच रहे हैं, ये मटके तो दिखने में बहुत सुंदर हैं, कितना पड़ेगा एक? बहन जी, ये मटके सिर्फ दिखने के लिए ही नहीं, काम करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए, एक मटका 500 रुपए की है। इतने कम दाम में इस क्वालिटी का मटका आपको कहीं नहीं मिलेगा। वह औरत एक मटका खरीद के लेके जाती है। उसको वह मटका बहुत अच्छी लगती है और वह अपने सहेलियों को भी उसके बारे में बोली। देखते ही देखते शिवा के मटकियां और मिट्टी के बर्तन के बारे में सारे गांव में फैल जाती है और सारे लोग शिवा के दुकान पर ही आकर मटकियां खरीदने लगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। एक दिन शालिनी शिवा से बोली, अजी, हम हर रोज बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच नहीं रहा है, हम एक काम करेंगे, क्यों ना हम मिट्टी में कुछ मिलावट कर दें, उससे हमको मुनाफा ज्यादा होगा। शालिनी, ऐसा करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा ना? कुछ नहीं पता चलेगा, और वैसे भी लोग क्या जानते हैं हम कौन सी मिट्टी मिला रहे हैं। शालिनी की बात सुनकर शिवा ने जंगल में जाकर कुछ गंदा मिट्टी लाता है और उसके अच्छे मिट्टी में मिला देता है। ऐसे ही मिट्टी मिलावट करके शिवा मटकियां तैयार करने लगा। उसका मुनाफा भी बढ़ता गया, व्यापार अच्छी चल रही थी। देखा जी, मैंने बोला ना, अब हमको मुनाफा ही मुनाफा है। एक दिन उसी गांव में एक औरत की तबीयत खराब हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं। कुछ ही दिनों में जो भी शिवा के पास मटकियां खरीदे वह सब लोग बीमार पड़ने लगे। ये बात जब गांव के मुखिया तक पहुंच गया, मुखिया जाकर शिवा से बोला,
क्यों भाई शिवा, तुम्हारे मटकियों के बारे में मैं बहुत सुन रहा हूँ। सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला ये सब मिट्टी की मिलावट से ही है। तुमको तुरंत इस गांव से निकलना होगा, नहीं तो तुमको पुलिस के हवाले कर देना पड़ेगा। अरे अरे नहीं नहीं सरपंच जी, मैं अभी इस गांव से चला जाऊंगा। शिवा घर जाकर सारी बात शालिनी से बोला। शालिनी शर्मिंदा होकर शिवा से क्षमा भी मांगती है, लेकिन सरपंच की बात सुनकर उस गांव से हमेशा के लिए चले जाते हैं। दूसरे गांव जाकर ईमानदारी के साथ मटकियों का व्यापार शुरू करते हैं।